हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स। और देखिए, आज 17 जुलाई 2020 को एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए, और शायद ये पैसे कमाने का मौका भी हो सकता है। पीटीसी बेचेगा पीएफएस में हिस्सेदारी, यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहा है, यानी कि डाइवेस्टमेंट यहां पर करने जा रहा है। इस खबर से दोनों ही कंपनीज के स्टॉक में आज एक आग लगती हुई दिखाई दी है। पीएफएस में जहां पर 10% का अपर सर्किट लग गया, वहां पर पीटीसी 5% से ज्यादा तेजी इसने दिखाई है। देखिए, पीटीसी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके अंदर स्टेक रखती है, और पीटीसी का जो स्टेक है पीएफएस में वो है 65%, जिसको वो अब मोनेटाइज करना चाहती है, यानी कि बेचना चाहती है। और इसी खबर के चलते आज यहां पर जो ये अपसाइड देखी गई है दोनों स्टॉक्स में, क्या वो आगे भी जारी रहेगी, क्या इसके अंदर अभी हम लोग कोई पोजीशन बना सकते हैं, वही सारी चीजें मैं इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि यहां पर पैसे बनने के काफी अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले वो आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन क्या है जो पीटीसी ने जारी किया है, उसके बाद में हम एक एक करके दोनों ही स्टॉक के ऊपर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर पोजिशन बनाए अभी या फिर होल्ड करके रखें। तो देखिए, जल्दी से नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। 16 जुलाई 2020 का पीटीसी का ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है, जिसके अंदर ये लिखा है कि देखिए, पीटीसी इंडिया इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पीएफएस के नाम से भी जाना जाता है, और ये पीटीसी इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पीएफएस के अंदर अपना स्टेक बेचना चाहती है, वो भी मेजर स्टेक, क्योंकि ये इसके अंदर मेजर स्टेक होल्डर है। 65% से ज्यादा की हिस्सेदारी पीएफएस के अंदर पीटीसी इंडिया की ही है। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पीटीसी जो कंपनी है, बेसिकली उसके पीछे कौन बैक करता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, इस आर्टिकल में आपको पढ़वाता हूँ। द दिल्ली हेडक्वार्टर्ड फर्म विच इज बैक्ड बाय एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज इन्वाइटेड पोटेंशियल सूटर्स और इन्वेस्टर्स टू सबमिट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय 31 जुलाई। देखिए, 31 जुलाई से पहले पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर मांगा गया है जो भी पोटेंशियल बिडर्स हैं उनसे। तो ये देखिए, काफी बड़ी कंपनी है, एनटीपीसी जैसी कंपनी इसको बैक करती है, और ये कंपनी ने अब डिसाइड किया है कि अपना स्टेक वो बेचना चाहते हैं पीएफएस में, जो कि लगभग अभी अगर करंट कैपिटलाइजेशन देखें कंपनी की तो 572 करोड़ रुपए का स्टेक ये हो जाता है जिसको वो बेचना चाहती है। और क्यों बेचना चाहती है, देखिए इसके बारे में भी कंपनी ने बोला है, क्योंकि ये जो पीएफएस है ये इनकी नॉन कोर ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है। तो पीटीसी एक कंपनी है जो पावर ट्रेडिंग में काम करती है, यानी कि जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनसे बिजली लेके और आगे उसकी ट्रेडिंग करती है, और पीएफएस जो है बेसिकली पावर मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। तो इनका ये कहना है कि वो हमारे कोर ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, जिसकी वजह से ये बेसिकली पीएफएस को अपने से अलग करना चाह रहे हैं। चलिए आगे लेके चलता हूं, मैं अभी आपको बताता हूं ये इस न्यूज के बाद में पीटीसी इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। पीटीसी इंडिया यानी कि जो पेरेंट कंपनी है उसकी बात कर लेते हैं। उसके अंदर अभी जो कंडीशन चल रही है, देखिए लगभग 3:15 यहां पर हुए हैं, और 3.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि आज का हाई था 51.25 रुपए का यहां पर हाई था, लेकिन अभी 50 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस भी देख लेते हैं अभी तक की क्या है। देखिए, 2 बजे तक का ये डेटा अपडेटेड है, तो 61,70,425 शेयरों के अंदर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जबकि डिलीवरी क्वांटिटी यहां दिखा रहा है 29,74,000 से ज्यादा शेयरों में अभी तक, यानी कि 2 बजे तक 48% से ज्यादा की यहां पर डिलीवरी परसेंटेज उठती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, आज इसके अंदर कोई भी ब्लॉक डील्स नहीं हुई है दोनों ही सेशंस के अंदर। चलिए, अब मैं इसको आपको आगे लेके चलता हूं, और बेसिकली चार्ट्स के ऊपर यहां पर जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कैसा माहौल इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीटीसी इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए पीटीसी का काम क्या है, बेसिकली इंटर स्टेट एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर भी ये पावर की ट्रेडिंग करती है, यानी कि इंटर स्टेट जो है हमारे यहाँ उन राज्यों के अंदर तो बिजली ये प्रोवाइड कराने का काम करती है, साथ ही साथ ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी बिजली बेचने का काम करती है, तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू आता है। तो देखिए, चार्ट्स पर अब दिखाने की कोशिश करता हूं आपको किस तरीके से पोजीशन है ये। तो वन डे की सेटिंग में मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं यहां पर पीटीसी इंडिया का, यानी कि पेरेंट कंपनी वाली पीटीसी इंडिया का, कंफ्यूज मत होइएगा।
यहाँ पर देखिए आज इसको गैप अप ओपनिंग मिली है यहाँ पर इस न्यूज के बाद में, तो देखिए लगभग 49 रुपीज के आसपास इसने ओपन दिखाया था और आज ऑलमोस्ट अभी उसी के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यानी कि ये शुरुआती सेशन में तो इसने काफी अच्छी यहाँ पर गेन दिखाई, 51 रुपीज तक पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद यहाँ सेलिंग प्रेशर देखा गया स्टॉक के अंदर और काफी जबरदस्त तरीके से स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है। और अभी की मैं आपको पोजीशन बताऊं तो देखिए इस स्टॉक में ये न्यूज अभी हावी रहेगी और यहां पर आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। एक गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, अगर आप यहां ध्यान दें देखिए ये है 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेड वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जब एक छोटी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज अपने से बड़े एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर, तब उसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं और ये साइन एक बुलिश साइन होता है। यानी कि यहां पर इसके अंदर एक आने वाले टाइम में आपको तेजी दिखाई दे सकती है। RSI की करंट पोजीशन बताऊं तो देखिए एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के ऊपर यहां पर फ्लोट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने ओवर वैल्यूड जोन को टच कर चुका है और यहां से अभी इसके अंदर और मोमेंटम आने के चांसेस हैं, यानी कि अभी कुछ टाइम ये इसी एरिया में रहेगा। तो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो यहां पर डेफिनेटली आप एक इसके अंदर बाय कॉल लेके और यहां पर इस पोजीशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहां पर काफी अच्छा मुनाफा आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए अभी 31 जुलाई देखिए इन्होंने डेट दी है कि बिडिंग कर सकते हैं वो कंपनीज जो इसमें अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, तब तक के लिए मैं समझता हूं कि यहां पर काफी अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में इसने काफी अच्छा मूव दिखाया है और ये मूव सस्टेन कर पाता है या नहीं इसको देखना होगा 31 जुलाई के बाद में, जब ये प्रोसेस हमारे सामने आ जाएगा कि कौन वो बिडर्स हैं जिन्होंने इसके लिए कितने प्रीमियम के ऊपर इसकी बोली लगाई है PFS के लिए, तो उसके बाद में हम इसके अंदर कोई कॉल दे सकते हैं। फिलहाल ट्रेडिंग व्यू से अगर देखें तो डेफिनेटली इसके अंदर एक कॉल बनता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 58 रुपीज तक के मूव इसके अंदर आपको अभी आते हुए नजर आ जाएंगे इन मौजूदा स्तरों से। तो ये देखिए PTC की बात थी, अब मैं आपको एक बार PFS के ऊपर लेके चलता हूं और PFS के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से आज PFS ने हमें यहां पर दिखाया है NSE के ऊपर कामकाज करके। तो देखिए PFS एक पैनी स्टॉक है और यहाँ आप देखेंगे कि अपर बैंड इसका 15.05 रुपए का और वहीं पर इसके ऊपर सर्किट लगा हुआ, यानी कि 10% का इसके अंदर सर्किट है। 52 वीक हाई है देखिए इसका 17.60 रुपए जो 27 जनवरी 2020 को इसने लगाया था और 24 मार्च को ये अपने 52 वीक लो पर पहुंचा 6.70 रुपए के ऊपर। देखिए अब मैं इसका आपको सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन दिखाता हूँ, 14,06,721 शेयरों के अंदर यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड दिखा रहा है और डिलीवरी क्वांटिटी है 11,72,343 शेयरों में 83.34% की यहां पर डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। देखिए PFS की पहले मैं आपको कुछ वैल्यूएशंस दिखा देता हूं, 967 करोड़ रुपए की यहां पर मार्केट कैप आज इसकी दिखाई दे रही है हमें, एक स्मॉल कैप कंपनी है। PE है इसका 8.8 यानी कि प्राइस टू अर्निंग 8.8 है, जबकि इंडस्ट्री का PE आप देखें तो 28.09 का PE है यहां पर, तो उस लिहाज से काफी चीपली अवेलेबल है ये स्टॉक। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो आप सोच नहीं सकते हैं कि देखिए 33 रुपए की इसकी बुक वैल्यू दिखा रहा है और ये स्टॉक आपके सामने अभी मात्र 15 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपनी बुक वैल्यू से आधे से भी कम दाम में आज आपको ये मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें 4.5% का इनका डिविडेंड है और इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड जो है 3% की डिविडेंड यील्ड है। देखिए इतने छोटे स्टॉक के अंदर अगर 3% की डिविडेंड यील्ड आपको मिलती है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर मुझे नजर आती है। और सबसे बड़ी बात इसका आप देखें कि अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS देखें तो वो भी 1.71 का है, तो काफी अच्छे यहाँ पर वैल्यूएशंस मुझे इसके नजर आ रहे हैं। देखिए अगर इसके रिजल्ट्स के ऊपर मैं कुछ निगाह डलपा पाऊं आपको तो ईयरली रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप इनकी नेट सेल्स देखिए, नेट सेल्स एंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस का जो सेगमेंट है 2018 में 1112 करोड़ रुपए का इनका नेट सेल्स थी जो बढ़कर 1334 करोड़ रुपए हो गई 19 में और मार्च 2020 में 1364 करोड़ रुपए पहुंच गई है, तो 3 साल से काफी अच्छी यहां पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। और देखिए अगर मैं इनकी प्रॉफिट की बात करूं आपको तो प्रॉफिट यहां पर आपको दिखाई देगा 110 करोड़ रुपए का ईयरली नेट प्रॉफिट यहां पर है जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है क्योंकि पिछले साल 184 करोड़ रुपए था, यानी कि 2019 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको 2018 से कंपेयर करें तो 24 करोड़ से सीधा 184 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट हो गया था। तो रिजल्ट प्रोफाइल भी अगर आप देखें तो कोई खास बुरी मुझे यहां पर नजर नहीं आ रही है, काफी अच्छी रिजल्ट प्रोफाइल यहां पर है PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के। मैं आपको थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं,
प्रमोटर्स के पास में 65% है, FIIs के पास में लगभग 1.5% का स्टेक है, कोई भी म्यूचुअल फंड इसके अंदर नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने 2.29% का स्टेक ले रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज देखिए इसके ऊपर इतना भरोसा रखती है कि उनका भी यहां पर स्टेक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। NIIs यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां पर 31.14% है और DIIs की बात करूं तो 0.11% के आसपास यहां पर स्टेक रखते हैं। और मेजोरिटी स्टेक होल्डर यानी कि PTC इंडिया लिमिटेड है, देखिए इसके अंदर 65% इसकी पेरेंट कंपनी, और लाइफ इंश्योरेंस LIC ऑफ इंडिया ने 2.313% का यहां पर स्टेक ले रखा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात नजर आती है कि LIC जैसी दिग्गज कंपनी भी इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अपनी बुक वैल्यू की आधी से भी कम कीमत में आज आपको मिल रही है और उसके अंदर एक ऐसी न्यूज आई है कि वो कंपनी अब बिकने जा रही है, तो डेफिनेट सी बात है मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और जो हमने देखा आज की मार्केट ने रिएक्शन दिखाया भी है, 10% का अपर सर्किट इसके अंदर लगा है। और देखिए अभी आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि PFS के अंदर पर्टिकुलरली आप एक बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं। ये देखिए चार्ट्स के ऊपर मैं आपको बताऊं तो मार्च में लॉकडाउन के बाद में ये स्टॉक 7 रुपए पे आ गया था, इनफैक्ट उस दिन ये 6 रुपए 80 पैसे के ऊपर भी पहुंच चुका था, वहां से लेके लगभग डबल से ज्यादा ये हो चुका है, 2.5 गुना के रिटर्न्स इसने ऑलरेडी दे दिए, क्योंकि आज 15 रुपए के ऊपर ये आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो देखिए ये न्यूज इसके अंदर आई है यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक अपमूव आता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है अभी कुछ दिन तक इसके अंदर अपर सर्किट सी आपको दिखाई दे। और RSI की पोजीशन बताता हूं तो देखिए 64 पॉइंट्स के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यहां पर भी सुपर एक्साइटेड मोड ये नजर आ रहा है और अभी ये डेफिनेटली ओवर वैल्यूड जोन के अंदर एंटर करेगा और कुछ टाइम वहीं पर ही रहने की कोशिश करेगा। तो 31 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी जब ये चीज अनाउंस होगी कि यहां पर कितने बिडर्स ने इनके पास में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है इस कंपनी को खरीदने के लिए। देखिए कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है और इस कंपनी का जो हमने देखा अभी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हर लिहाज से कंपनी काफी अच्छी नजर आती है आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से हमारी खुद की इंडिया की पावर कंजम्पशन है, हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, वैसी उस कंडीशन में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती भी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि पावर सेक्टर केवल पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल पब्लिक कंपनीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे यहाँ इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज हैं जो पावर जनरेशन का काम करती हैं और वो अपने आप को एक्सपेंड करती भी आपको नजर आएंगी चौतरफा, तो वहां पर उनको फाइनेंस की जरूरत होती है और PFC एक ऐसी ही कंपनी है जो उन कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो इनके जो सेल्स हैं वो आपको कभी घटती भी नहीं दिखाई देंगी, यहां से सिर्फ आपको बढ़ती भी दिखाई देंगी। तो यहां पर बहुत अच्छे रेट्स पर, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको अवेलेबल है। डेफिनेटली आप इसके अंदर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एज वेल एज फ्यूचर परस्पेक्टिव से यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आप इसके अंदर एक बाय कॉल ले सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इसके अंदर डाउनसाइड एक लिमिटेड ही रहेगी, ये उतना नीचे नहीं गिरेगा अगर मार्केट का कोई फॉल होता भी है, क्योंकि जो न्यूज आई है पहले तो वो इसके अंदर प्ले आउट करेगी, उसके बाद में जो इसको बिडर खरीदेगा उसके बाद में भी इसके स्टॉक यहां पर बढ़ने के चांसेस मुझे पूरे नजर आते हैं। तो देखिए खबर थी पूरी जिसके अंदर देखिए PTC इंडिया ने अपनी एक सब्सिडरी आर्म PFC को बेचने के लिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ये वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।